गांव में हावी जातिवाद। भारत का समाज जाति आधारित है और यहां चुनाव में भी जाति को काफी महत्व दिया जाता है। राजनीति भी जात के प्रभाव से मुक्त नहीं है और टिकटों के बंटवारे से मतदान तक में जातिवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। साथ ही आम आदमी के मन मस्तिष्क में भी जातिवाद रूपी कीड़ा अभी भी भरा हुआ है। जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं तो शायद ही जातिवाद इतना हावी हो, लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव होता है तो जातिवाद भी अस्तित्व में आ जाता है। जैसा कि हर बार की तरह त्योंथर विधानसभा में जातिवाद का चुनाव में प्रभाव दिखा है। यहां समाज मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित हुआ, ब्राह्मण वर्ग, ठाकुर वर्ग और पटेल वर्ग, और अन्य वर्ग जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अपने राजनीतिक हित को देखते हुए उनके पीछे हो लिए। ब्राह्मण वर्ग का अधिकांश समर्थन सिद्धार्थ तिवारी को मिला और इसी प्रकार ठाकुर वर्ग का देवेंद्र सिंह को और पटेल वर्ग का रमाशंकर सिंह पटेल को मिला। त्योंथर विधानसभा में जाति समीकरण कुछ इस प्रकार है। ब्राह्मण मतदाता लगभग 80,000, क्षत्रिय मतदाता लगभग 20,000, पटेल मतदाता लगभग 33,000, यादव मतदाता लगभग 22,000, अनुसूचित जाति मतदाता लगभग 35,000 और अनुसूचित जनजाति मतदाता लगभग 47,000 हैं। चुनाव को जातिवाद इस प्रकार प्रभावित करता है कि क्षेत्र की बड़ी समस्याएं भी नजर नहीं आती हैं, जैसे सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है, पेयजल संकट अक्सर पैदा हो जाता है, इसकी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है। रायपुर क्षेत्र में महिला और पुरुष आईटीआई कॉलेज की स्थापना, इसके अलावा गढ़ी क्षेत्र में महिला कॉलेज की आवश्यकता बनी हुई है। इसके अलावा पूर्व में किए गए वादे की स्थिति पर भी ध्यान नहीं जाता है, जैसे सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाने का वादा पूरा नहीं किया गया। पेयजल संकट पैदा न हो इसके लिए तमस नदी में स्टॉप डैम के निर्माण की बात कही गई थी, किंतु निर्माण नहीं हुआ। नागरिक आपूर्ति विभाग से स्थानीय वेयर हाउस का निर्माण, वेटरनरी कॉलेज की स्थापना भी नहीं हुई है, नीलगाय की समस्या बरकरार है। इन समस्याओं को लेकर जनता में कोई चिंता नहीं है। राजनेताओं द्वारा जनता को जातिवाद रूपी झुंझुना में संलग्न रखा जाता है, जिससे जनता को इन कमियों का वितर्क ना हो सके। अब जानते हैं जातिवाद इतना हावी क्यों। इसको लेकर मेरा की जात के अंदर प्रतिस्पर्धा ही जातिवाद को जन्म देती है। चलिए समझते हैं विभिन्न जातियों की प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जात के अंदर भी प्रतिस्पर्धी गुट बन जाते हैं और प्रतिद्वंदी नेताओं का समर्थन करने लगते हैं। इन गुटों में भी विभिन्न जात के लोग भी शामिल हो जाते हैं और अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की भी सहायता ली जाती है जो अब तक दायरे से बाहर थे। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए निम्न जातियों के प्रमुख लोगों को छोटे राजनीतिक पद और लाभ में कुछ भाग देकर नेता अपने दल को मजबूत करने का प्रयत्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जाति और राजनीति के मिश्रण से राजनीति का जातिकरण और जाति का राजनीतिकरण हुआ है। राजनीति ने जाति को नए संदर्भ दिया, जिससे परिणाम स्वरूप पुरानी सामाजिक व्यवस्था बदली है। जातिवाद से समाज को एक दृष्टि में फायदा भी हुआ है, जिसमें जातिवाद के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति उन वर्गों तक पहुंच सकी है जो अब तक उससे वंचित थे। जाति और राजनीति का संबंध स्थायी न होकर बल्कि गतिशील है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।